स्वागत है आपका सुनो समाचार में। एम्बुलेंस को लेके बिहार के दो बड़े नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। एक तरफ इस कोरोना काल में भगवान हनुमान की तरह लोगों की सेवा करने वाले पप्पू यादव हैं, जो कल सिवान से पटना लौट रहे थे मशरक होते हुए, तो उनके समर्थकों ने जानकारी दी कि विश्व प्रभा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे कुछ एम्बुलेंस छिपा के रखे गए हैं, जो चारों बगल से तिरपाल वगैरह से ढक दिए गए हैं, उनके ऊपर कवर चढ़ा दिया गया है। तो पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पता चलता है कि ये एम्बुलेंस छपरा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के कोष द्वारा खरीदे गए हैं और ये अभी तिरपाल वगैरह से चारों बगल से घेर के और ढक के रखा गया है, जबकि उनके अनुसार यह बहुत बड़ा अपराध है। इन एम्बुलेंस को लोगों की सेवा में अभी हाजिर होना चाहिए था। बाद में राजीव प्रताप रूढ़ी ने पप्पू यादव के आरोपों को खारिज किया और बताया कि ड्राइवर के कमी के वजह से ये एम्बुलेंस जो है नहीं चल पा रहे हैं। बाकी उन्होंने 80 एम्बुलेंस खरीदे जिसमें से 56 चल रहे हैं और ये जो कुछ बच गए हैं इसके लिए ड्राइवर न मिलने के वजह से ये एम्बुलेंस ऐसे खड़े हैं। फिलहाल दोनों में जुबानी जंग चल रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अभी के समय में एम्बुलेंस को सड़कों पे होना चाहिए था, लोगों की सेवा में होना चाहिए था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और सुनते हैं दोनों का वक्तव्य। खोलो पीछे फोटो है उनका, पीछे से सब खोल दो यार। किसी के विरोध में नहीं है, एक आदमी मेरे साथ नहीं रहा, अकेले आया है, दूसरी बार आया है, हेलो बोला भी है कि फंसा देंगे कहीं पर। हाँ बिल्कुल भैया, नहीं था अब इसको हम कुछ नहीं थे, 6 महीने से हमको देख रहे हैं। जिला पार्षद जी कहाँ रह गए? हाँ अभी कहाँ भैया? हेलो सुनिए ना, बोलो बोलो। आगे वाले सारा एम्बुलेंस बाहर निकाल दिया गया है, 4 एम्बुलेंस चला गया है, रिक्शा जी हैं, कल हो चुके हैं खुद में। विकास ना, ठीक है ठीक है ठीक, यहाँ 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 और ज्यादा है। अच्छा पप्पू जी, आपको डर नहीं लगा? आप कभी बाढ़ में कभी कोरोना में लगातार एकदम 1 महीने हो गए शमशान कब्रिस्तान हर लोगों को जलाते, अपनों ने जब छोड़ दिया, माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया वहाँ पप्पू। 1 महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की, मृत और आत्मुग्धी सरकार लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण कंस और यजीद से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का है, रूढ़ी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है? सवाल ना रूढ़ी जी का है ना पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? आज सेना एक हॉस्पिटल को टेक ओवर किए, हम निजी अस्पतालों को हैंडओवर करने की बात मांग कर किए हैं कि आप कोरोना की जितनी बीमारी निजी अस्पताल में हो रही है सरकार खर्च दे या तो फ्री करे कंप्लीट, और हर व्यक्ति के घर में।
पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है।